ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। ऊना जिला के गांव थानाकला के विनायक राणा का प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम के लिए चयन हुआ है। ये लर्निंग प्रोग्राम 10 से 24 अक्टूबर तक दो चरणों में होगा, जिसमें विनायक इसरो बेंगलुरु और आईआईटी दिल्ली में वैज्ञानिकों से प्रशिक्षण प्राप्त करेगा। इस लर्निंग प्रोग्राम के लिए साइंस विषय में केवल 30 छात्रों का ही चयन हुआ है। साउंड अलर्ट वाला इनोवेटिव डस्टबिन का मॉडल बनाकर सुर्खियों में आए विनायक राणा ने एक और उपलब्धि अर्जित की है। विनायक राणा का अब प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम ध्रुव के लिए सिलेक्शन हुआ है। विनायक हिमाचल का इकलौता छात्र है जिससे देश भर के साइंस स्ट्रीम के 30 छात्रों में स्थान प्राप्त हुआ है, जिससे इसरो मुख्यालय बेंगलोर और आईआईटी दिल्ली में एक्सपर्ट के नए इनोवेटिव आइडिया सीखने का मौका मिलेगा। ये लर्निंग प्रोग्राम 10 से 24 अक्टूबर तक दो चरणों में होगा। पहले चरण में 10 अक्टूबर को बेंगलोर में विशेष प्रशिक्षण सत्र आयोजित होगा, जिसमें देश भर के 60 छात्र हिस्सा लेंगे। इनमें 30 साइंस के और 30 आर्ट्स स्ट्रीम के हैं, जिन्हें अलग फील्ड के एक्सपर्ट नए आइडियाज बताएंगे। प्रशिक्षण का दूसरा चरण आईआईटी दिल्ली में 12 से 23 अक्टूबर तक आयोजित किया जाएगा। इस विशेष प्रशिक्षण में एक्सपर्ट छात्रों को परफेक्ट बनाया जाएगा। विनायक को इसकी सूचना भारत सरकार के मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ओर से मिले पत्र में मिली है। विनायक ने 2018 में इंस्पायर अवार्ड में हिस्सा लेकर साउंड अलर्ट वाला डस्टबिन तैयार किया था। उस दौरान विनायक का ये मॉडल जिला और प्रदेश स्तर पर अव्वल रहने के बाद राष्ट्रीय स्तर के लिए चयनित हुआ था। दिल्ली आईआईटी के इंजीनियर ने भी विनायक के इस स्मार्ट मॉडल को अपने ढंग से मॉडिफाई किया था। अब स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम के तहत विनायक का मॉडल अगले वर्ष जापान के रिसर्च सेंटर में भेजा जा रहा है। अपनी इस उपलब्धि को लेकर विनायक राणा खासे उत्साहित हैं। विनायक की माने तो इस लर्निंग प्रोग्राम के जरिए वे नए आइडियाज को लेकर अपने अगले मॉडल पर काम करेंगे। ये मेरे लिए काफी प्राउड मूवमेंट है और मैं काफी खुश हूँ कि मुझे प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम जो कि ध्रुव अटेंड करने के लिए मैं इसरो में जा रहा हूँ। ये मेरे लिए काफ़ी फ़ख्र की बात है कि मुझे इसरो और आईआईटी दिल्ली जैसी संस्थाओं के एक्सपर्ट्स से रूबरू होने का मौका मिल रहा है। मैं वहाँ जाकर वहाँ से कुछ सीखूँगा और उसे अपनी जर्नी जब मैं वापस आऊँगा तब उस जो वो मेरी सीख होगी जो मेरी इंस्पायर मैं वहाँ से होऊँगा और उस सीख को जो है मैं एक नेक्स्ट इनोवेशन में इम्प्लीमेंट करूंगा, उस फील्ड की ओर अग्रसर होने के लिए अपना 100% दूंगा। वहीं अपने बेटे की उपलब्धि पर परिजन भी खुश हैं। विनायक के पिता संजीव राणा ने कहा कि ये उनके लिए गर्व की बात है कि उनका बेटा देश में जिला ऊना और प्रदेश का नाम रोशन करेगा। सर, मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। जैसा कि हर माँ बाप को खुशी होती है जब उनका बच्चा आगे बढ़ता है, और इससे बड़ी प्राउड की मोमेंट और कोई नहीं हो सकती है कि जब बेटा अपने इंस्टीट्यूशन का, अपने क्षेत्र का, अपने डिस्ट्रिक्ट का और स्टेट का नाम देशभर में आगे लेकर के जाता है। तो रियली इट इज़ अ प्राउड मोमेंट फॉर मी। वहीं शिक्षा विभाग के नोडल ऑफिसर प्रदीप सिंह ने कहा कि 9वीं के छात्र विनायक का चयन पीएम इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम के लिए हुआ है, जिससे प्रतिभाशाली छात्र को आगे बढ़ने का और मौका मिलेगा। प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम के अंतर्गत इस बच्चे की सिलेक्शन हुई है और ये बच्चे को इसरो जाने का अवसर प्राप्त हुआ है, क्योंकि ये इसका जो आइडिया था वो इनोवेटिव डस्टबिन से था। और इसमें माननीय प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी जो जिनका सपना है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत का, उसमें ये कारगर सिद्ध होगा। और ये 30 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए हैं जो कुछ साइंस बैकग्राउंड से हैं, कुछ हमारे आर्ट्स बैकग्राउंड से हैं। और ये बच्चा जो साइंस बैकग्राउंड से सिलेक्ट हुआ है वो बड़े फ़ख्र की बात है कि पूरे हिमाचल प्रदेश में एक ही बच्चा ये हमारा सिलेक्ट हुआ है। और ये अवश्य ही वहाँ इसरो में जाके इनका मुख्य उद्देश्य जो है इस प्रोग्राम का डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी और नीति आयोग इसके साथ जुड़ा हुआ है, साथ में नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन, और इन तीनों की कोलैबोरेशन से ये बच्चा वहाँ पर जो है वहाँ जो साइंटिस्ट आएंगे उनके साथ इस बच्चे की इंटरेक्शन तो होगी और साथ साथ ही इस बच्चे की जो पोटेंशियल है जो इसकी कार्य क्षमता है उसको प्रोत्साहन मिलेगा।